509 पर आ जाइए। 509 इज वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ठीक है, whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, ठीक है, shall be punished with this. चलो बताओ इसका एक्टस रेस क्या है। ठीक है, एक्टस रेस सीधा सीधा इसका यही सारी चीजें, बट इंट्रूड भी अपने आप में अलग एक्टस रेस है, मतलब इन सब में से कोई सा भी अटर करेगा वो वर्ड तो भी एक्टस रेस फुलफिल, इफ ही मेक्स साउंड तो भी एक्टस रेस फुलफिल, इफ ही मेक्स जेस्टर्स, ठीक है, एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट और इंट्रूड अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन, अलग एक्टस रेस है वो भी। ठीक है, मेंस रेया क्या है? ठीक है, मेंस रेया थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, सीधा सीधा ही है मेनली। इंटेंशन और इंट्रूड्स, ठीक है, इंटेंशन दैट इट बी हर्ड और सीन, ठीक है, वॉट एवर जेस्टर्स वॉट एवर स्पीकिंग ही इज डूइंग वो सुना जाए बाय द अदर वुमेन, दैट इज द मेंस रेया। अगर उसका इंटेंशन नहीं है कि वो वुमेन सुन ले, मरमर कर रहा है वो धीरे से, है ना, वुमेन इज नॉट एबल टू लिसन टू, अब ऐसा बोलना कि वो वुमेन सुन ना पाए उसे, और अगर वो सुन भी लेगी ना, लेकिन इसका इंटेंशन अगर सिर्फ इतना था कि ही जस्ट वॉन्टेड टू मर्मर इन हिम सेल्फ, या फिर ऐसे धीरे से बोलना आपस के लोगों से कि वो वुमेन सुन ना पाए, ठीक है, तो वो मेंस रेया फुलफिल नहीं होगा। इलस्ट्रेशन करते हैं हम, ऐसे समझ आएगी। Mens rea is ki the intention that it be heard or seen, you know, ya fir intention to intrude upon the privacy. Intrude karna to fir wo thoda sa zyada chala jata hai. Heard or seen ke upar aate hain apan pehle. Suppose karo, ye hai A, B, C, D. They are sitting on roadside. ठीक है, अब एक वुमेन पास करती है, W passes फ्रॉम देयर, अब जो ये इनमें से A है ना, A said something obscene about the woman, ठीक है, और किससे बोल रहा है ये, टू बी सी डी, और काफी धीरे बोलता है, बट वेरी स्लो, वेरी स्लोली, ठीक है, लाइक जस्ट मर्मर्ड, मर्मरिंग करते हैं ना अपन, विस्पर करते हैं, लाइक दैट ओनली। एंड क्या था कि मर्मर्ड और स्लोली इसीलिए बोल रहा है दैट डब्ल्यू कुड नॉट लिसन, सो दैट डब्ल्यू कुड नॉट लिसन, बस, बट डब्ल्यू वॉज छत्री, शी वॉज शार्प इनफ टू लिसन, डब्ल्यू ने सुन लिया, डब्ल्यू हर्ड एंड लॉज्ड कंप्लेंट, ठीक है, यहां पर एक्टर्स रेस यही था इसका के मतलब एक्टर्स रेस नहीं, सॉरी, एक्टर्स रेस तो फुलफिल हुआ, लेकिन उसका मेंस रेया क्या था, मेंस रेया था कि डब्ल्यू नहीं सुनना चाहिए, है ना, इंटेंशन यही था उसका कि डब्ल्यू नहीं सुनना चाहिए, बट डब्ल्यू ने सुन लिया, है, तो उसका मेंस रेया सेक्शन का फुलफिल नहीं हुआ, सेक्शन का मेंस रेया है दैट शी शैल हर्ड या शी शुड हियर, है ना, उसको सुनाई नहीं दिया, मतलब उसको सुनाई दे गया, बट उसका मेंस रेया तो फुलफिल नहीं हुआ ना सेक्शन का, तो इस सेक्शन के इस इलस्ट्रेशन के अंदर 509 विल नॉट बी एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज इंटेंशन टू मेक हर लिसन वाज नॉट देयर, हिज इंटेंशन वाज नॉट दैट कि द लेडी शुड हियर व्हाट ही इज सेइंग,
That's why the actor's main star is not being fulfilled. समझ आया ये वाला पार्ट? That's why section 509 will not be applicable right now. बताओ समझ आया नहीं आया? रुक जाओ एक और इलस्ट्रेशन कराता हूँ. सर आ गया. ठीक है कोई बात नहीं, एक और इलस्ट्रेशन कर लो. सपोज करो ये W है, W इज वॉकिंग, W इज वॉकिंग, K है और फिर I है. ठीक है एंड A इज कॉपीइंग हर फ्रॉम बिहाइंड, जिस तरह से भी वो वॉक कर रही है उसको कॉपी कर रहा है एंड ही इज कॉपीइंग कॉपीइंग इन अ वेरी वल्गर मैनर. ठीक है एंड दिस डब्ल्यू टर्न्स बैक और जैसे ही वो टर्न बैक करती है ए स्टॉप्स, डब्ल्यू टर्न्स बैक एंड ए स्टॉप. यहां बताओ यहां पर लगेगा 509? जेस्चर तो कर रहा है वो, यस प्लीज, समझ आ गया था ना? तो फिर बताओ रिमूविंग द बोर्ड. तो जब W टर्न हुई तब तो वो A ने स्टॉप कर दिया, तो वो सीन तो हुआ नहीं और हियर भी नहीं किया, तो इंटेंशन लैकिंग. देखो वो देख ले या फिर वो ना देख पाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन स्टोरी क्या है उससे फर्क पड़ता है. यस आई एम इंटेंशन था कि नहीं कि वो देख ले कि सुन ले, वो आगे चल रही थी. सेम तो मेंस रिया क्या है मुझे ये बताओ, इंटेंशन टू इंसल्ट है मेंस रिया क्या? नहीं सर, बट इंटेंशन टू टू एन एक्ट ये है कि नहीं, इंटेंशन दैट द वुमेन शुड सी दैट एक्ट या फिर इंटेंशन दैट द वुमेन शुड हियर दैट पर्टिकुलर एक्ट. सर इंटेंशन नहीं है क्योंकि वो आगे चल रही थी तो वो पीछे देख नहीं सकती और सुने इस पर्टिकुलर एक्ट को तो वो सुन नहीं सकती, तो इंटेंशन लैकिंग लग रहा है. ओके ओके अदर्स मेंशन सम. हां यस यस सर, इंट्रूजन अपॉन प्राइवेसी तो हुआ. इंट्रूजन अपॉन द मॉडेस्टी कैसे हो जाएगा? जब तक वो टच नहीं करेगा ना तब तक इंट्रूजन कैसे होगा? इंट्रूजन वाली तो सरकमस्टांस ही दूर है, इंट्रूजन पर तो अपन आई नहीं है. इंट्रूड तो तभी होता है ना जब somebody touches, enters, intruder उसी को बोलते हैं ना. बाहर खड़ा है तो intruder कैसे होगा? ठीक है, if he does not touch, till the time he does not touch, intrusion नहीं हो रहा. ठीक है, the time he touched her, तब intrusion वाली circumstance में भी घुस हो गया. उसके पहले तो ये दो चीजें analyze करो, heard and seen. है ना, इंट्रूजन वाली तो बाद में आएगी. समझ आया सर अक्षी? सी इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी कैसे हो सकता है कि प्राइवेसी शी इज डूइंग सर्टेन प्राइवेट एक्टर एक्ट्स इन विच शी डज नॉट वांट एनीबॉडी टू कम या फिर टू इंटर टू सी. ठीक है, वॉशरूम में है वो या फिर द वुमेन इज इन चेंजिंग रूम. ठीक है, देयर समबडी इंटर्स तो वो इंट्रूजन होगा ना. सिर्फ मेयरली इंटर करना वो इंट्रूजन हो जाएगा, 509 में भी चला जाएगा. सर यहाँ पे चला जाएगा अगर क्योंकि मैं तो मेंसरी ऐसे सोच रही थी कि हर्ड और सीन होना चाहिए, जो पर्टिकुलर जेस्चर या जो भी चीजें हैं वो हर्ड या सीन होने के इंटेंशन से होगा तभी पर्टिकुलर सेक्शन का मेंसरी होगा.
तो क्या दैट इज इंट्रूजन, ओनली द मेंस रेयर. तो फिर इंट्रूजन वाले पार्ट से भी मेंस रेयर तो अलग है ना वो, तो अच्छा दैट इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग ना. वहां पर विद इंटेंशन टू इंट्रूड होगा. यस प्लीज. इस सर्कमस्टांस के अंदर क्या हो रहा है कि उसका इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन उसके एक्ट से समझ आएगा ना. अगर वो स्टॉप नहीं करता, वो करता रहता वही चीज, वो पलट भी जाती है उसके बाद भी वो जो कॉपी कर रहा था कंटिन्यूअसली करता रहता, ठीक है, तो समझ आता कि उसका इंटेंशन है टू शो हर दैट हाउ शी वॉक्स. अभी वो रुक गया, उसका इंटेंशन नहीं है कि वो पर्टिकुलर लेडी जो है वो देखे, बाकी लोग देखे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो पर्टिकुलर लेडी देखनी चाहिए, ठीक है. उसका इंटेंशन अगर उसको शो करने का है ऐसा, तो फिर मेंस रिया फुलफिल होगा. अगर उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है तो मेंस रिया फुलफिल नहीं होगा. दैट्स व्हाई इन दिस सेक्शन 509 इज नॉट एप्लीकेबल. इंटेंशन टू मेक हर हियर और इंटेंशन टू मेक हर सी द पर्टिकुलर एक्ट विल मेक हिम फॉल अंडर 509. यस प्लीज साक्षी. So what if suppose there is a group of people and someone tries to insult her or utter something and does something, but she doesn't see herself, but later on usko koi batata hai ki it happened, matlab maybe thode time period ke baad, it is a hearsay kind of thing, so would it be considered ki... मैं वही बोल रहा हूँ कि उसका सुनना, अगर वो सुन भी लेगी ना तो भी कोई परेशानी नहीं है, उसने नहीं सुना तो भी कोई परेशानी नहीं. इसका इंटेंशन क्या था, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, क्या इसका इंटेंशन था उसको सुनाने का? सर, अगर इसका इंटेंशन था, हाँ, अगर उसका इंटेंशन नहीं था उसको सुनाने का तो 509 में फॉल नहीं करेगा. सर ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये तो समझ आ गई, बट वो जो सराक्षी पार्ट बोल रही थी इंट्रूड वाला, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे 509 में फॉल करेगा वो नहीं समझ आया. बताया तो मैंने कि प्राइवेट एक्ट कर रही है कोई, और प्राइवेट एक्ट करते टाइम पर कोई इंट्रूड कर जाता है, घुस जाता है, एक पर्टिकुलर रूम है, शी इज चेंजिंग क्लोथ्स इन दैट पर्टिकुलर रूम, ठीक है, और कोई उस रूम के अंदर घुस जाता है. तो सर उस वाले सिचुएशन में भी तो इंटेंशन था ना कि वो जो इंट्रूड कर रहा है उसको देख ले या सुन ले वो पर्टिकुलर वुमन, तो इस एंगल से तो भी फुलफिल हो गया मेंस रिया. क्वेश्चन नहीं समझ नहीं मुझे तुम्हारा, कैसे फुलफिल हुआ? सर वो जो पर्टिकुलर पर्सन एक्शन कर रहा था, वो लेडी जो भी एक्शन कर रही थी प्राइवेटली अपना, ये पर्टिकुलर 509 में आने के लिए हर्ड और सीन का हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं मेंस रिया की इंटेंशन, मतलब ऐसा एक्ट कर रहा है वो पर्सन, उसका ये दिमाग में है कि ये पर्टिकुलर लेडी को दिख जाए कि मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ, है ना. तो जो जब वो रूम में एंटर करता है या फिर वॉशरूम में एंटर करता है तो भी तो वो इसी इंटेंशन से एंटर करता है ना कि इस विमेन को दिख जाए कि ऐसा हो गया है और वो अशेम फील कर रही है, तो हार्ट और सीन तो उधर भी हो रहा है क्या? मुझे तो हो तो गया ना मेंस रिया फुलफिल. ओके अप्लाई हो जाएगा 509 में, वही तो बोल रहा हूँ. तो 509 अप्लाई हो तो गया फिर उस पर, ठीक है. इंट्रूड वाली सिचुएशन को अभी हटाओ, ये बताओ जो इसका पहले का इलस्ट्रेशन है वो समझ आया? इंट्रूड वाली सिचुएशन में भी तो वो देख ही रही है ना कि somebody has entered, तो फुलफिल मेंस या फुलफिल्ड वही मेरे को समझ आ रहा है. नहीं तो मतलब उधर भी intention... तो देख ही रही है ना, तो वो मतलब सराक्षी क्या पॉइंट बोल रही थी वो मुझे नहीं समझ आया, उधर भी तो देख और सुन ही रही है. अरे उधर वो सिर्फ देख और सुन रही है, बट वहां पर मुझे ये बताओ कि कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, वो वॉक कर रही है ना सिर्फ, इज दैट अ प्राइवेट एक्ट? ना सर वो समझ आ गया, वॉशरूम वाला जो इंट्रूड टू प्राइवेसी में वो वाला नहीं समझ आ रहा था, जो सराक्षी पॉइंट बोल रही थी आप जो बोल रहे थे वो समझ आ गया. सराक्षी वाज सेइंग अ लिटिल डिफरेंट थिंग. सराक्षी सेड कि वो वॉक कर रही है और वो उसको कॉपी कर रहा है, तो इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी हो गया ना उसके हिसाब से. लेकिन जब वो वॉक कर रही है तो दैट पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट प्राइवेट एक्ट,
वो सिर्फ वॉक कर रही है और उसके वॉक करने को कॉपी कर रहा है वो, तो इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी नहीं हो रहा. दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल. मुझे उसका पॉइंट नहीं समझ आया था, बस वो जो उसने बोला था कि वो कहां से उसके आ गया. ओके ओके ठीक है. बाकी तो मुझे ये बताओ कि ये समझ में आ गया ना कि जब तक वो देख नहीं, मतलब कि उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो देख ले, तब तक एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. जब तक उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो सुन ले, तब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. पांच सुनो. अब बताओ आप लोग, कम टू बोर्ड. अब ये बताओ कि ए जो है, ए भाई साहब, ए सेंड्स अ लेटर. टू डब्ल्यू, ठीक है, और ये लेटर भेजते हैं बाय पोस्ट. ठीक है, एंड द लेटर कंटेन्स इनडिसेंट पिक्चर्स. डब्ल्यू सीज दैट एंड लॉजेस ए फायर. अब बताओ 509 शुड अप्लाई. यस सर. यस सर. रिमूविंग द बोर्ड. बताओ बाकी लोग, किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ऑफेंडर ने खुद नहीं करा था? He sends a letter to W by post. उसने ये एक्ट खुद नहीं करा था. किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है? सर मैं एक्सिबिट वाले वर्ड से कंफ्यूज हो रही हूं. एक्सिबिट कौन सा वर्ड? इसमें सर सारे सेक्शन लिखे अटर एनी वर्ड मेक्स एनी साउंड जेस्चर तो राइटिंग अ लेटर. हाँ, एग्जिबिट से नहीं, ऑब्जेक्ट उसी में तो फॉल करेगा ना ये. हाँ तो फिर हो जाएगा. अदर्स ओके, सही हो आप लोग. कंडीशंस तो फुलफिल हो गई पूरी की पूरी, एंड द पर्सन इज आल्सो लायबल. मैं तो बस लॉयर इंस्टिंक्ट देख रहा था कि उसको डिफेंस कैसे दिलवाओगे. वो किसी के थ्रू भेजे, एजेंट को एम्प्लॉय करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर एनवेलप जो है वो क्लोज एनवेलप में भेजा हो उसने. उसका इंटेंशन था कि दैट वुमेन शुड सी द वुमेन सीन. Actors stairs and men stairs, both of them are fulfilled. He will be liable. ठीक है, but इसमें जो main argument था ना इस particular case में, these are the facts of a case. मैं जो argument था, वो argument यही था कि उसने एक agent employ करा, उसने खुद नहीं भेजा. ठीक है, third party के through, अब भेजा खुद, लेकिन third party ने deliver करा, उसने खुद deliver नहीं करा. That's why it will not be applicable. But court did not pay heed to this argument. है ना, आप लोग सही हो. ठीक है, उन्होंने उसने पोस्ट ऑफिस को एंगेज करा टू गेट द एक्ट डन. अब बताओ पोस्ट ऑफिस की कोई लायबिलिटी है? नहीं ना. ठीक है, चलो हो गया ये वाला पार्ट. अभी 354 एंड 509. यस, जजमेंट्स दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, और जो क्वेश्चंस आएंगे ना इसके बाहर नहीं आएंगे. मतलब अगर वो थियोरेटिकल भी पूछेंगे ना तो इसी क्राइटेरिया के अंदर पूछेंगे, इसके आगे कुछ नहीं पूछेंगे. तो दोनों जजमेंट्स ना कहीं पर भी कुछ भी केस लॉ आए विद रिस्पेक्ट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, लगा देना. दोनों सेक्शंस में डिस्कस कर रहा था उन्होंने, है ना. 500 से भी डिफरेंट है ये, वो हम पढ़ लेंगे. जब 500 पढ़ेंगे तब रेफर कर लेंगे अगर हुआ तो. वैसे 500 समझ आएगा तो खुद ही बना लोगे डिफरेंस. ठीक है,